गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। LIC में बाहरी एवं ग्रामीण एजेंट भर्ती 6000 हर माह और 25000 से अधिक का कमीशन केवल 280 पद, योग्यता 10वीं पास, उम्र 25 वर्ष से अधिक। जल्द संपर्क करें आशीष जैन भर्ती अधिकारी, मोबाइल नंबर 90980 13 269। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स, दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। दमोह जिले की पथरिया विधायक रामबाई सिंह के देवर भाई और भतीजे को अदालत ने कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायालय ने तीनों को 7 साल कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 6000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ये फैसला तत्कालीन कृषि उपज मंडी अध्यक्ष खराग्राम पटेल पर हमला करने के मामले में आया है। बसपा विधायक की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब रामबाई के देवर चंदू सिंह, भाई लोकेश कुर्मी और भतीजे गोलू सिंह के हमले के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद को जेल की सजा हुई है। घटना 12 मार्च 2019 की है। दमोह शहर के नीलकमल गार्डन में एक शादी समारोह में पथरिया के तत्कालीन कृषि उपज मंडी अध्यक्ष खराग्राम पटेल पर हमला हुआ था। इसमें विधायक रामबाई सिंह के देवर चंदू सिंह, भाई लोकेश कुर्मी और भतीजे गोलू सिंह को आरोपी बनाया गया था। ये मामला दमोह जिला कोर्ट में चल रहा था, जिस पर अब फैसला आ गया है और तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि ये तीनों आरोपी फिलहाल कांग्रेस नेता देवेंद्र चौधरी हत्याकांड मामले में जेल में है। दिनांक 12/3/2019 को पुलिस कोतवाली दमोह में खराग्राम पटेल द्वारा आरोपी चंदू सिंह कौंसलेन, चंदू उर्फ कौंसलेन और लोकेश पटेल गोलू सिंह के विरुद्ध में अपराध धारा 326 का मामला पंजीबद्ध करवाया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय में सत्य प्रकरण क्रमांक 78/2019 में साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर माननीय सत्य न्यायालय महोदय महिमा कछवाहा मैडम ने कल 25/7/2019 को आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए 7 साल की सजा और 6000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जो इस प्रकरण में आरोपी थे अभी भी वर्तमान में देवेंद्र चौरसिया मर्डर केस में दमोह जेल में निरुद्ध है, जिनके विरुद्ध में 302 का मामला प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। इसलिए